नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पंजाब के सियासी पिच पर 14 फरवरी को एक ऐसा महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है जिसने सभी राजनीतिक खिलाड़ियों की नींद उड़ा दी है। इस मैच के नतीजों का असर 2024 में दिल्ली सल्तनत के लिए होने वाली जंग पर कितना पड़ेगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन विजेता टीम का कैप्टन पंजाब की सरदारी तो करेगा ही, लेकिन पंजाब की सरदारी करने के लिए सियासी दलों के दिग्गजों को ग्राउंड पर कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कोई अपनी ही टीम का कैप्टन बनने की जुगत में तिकड़म लड़ा रहा है तो कोई प्रतिद्वंद्वी को पस्त करने के लिए सियासी पिच के साथ मौसम का मिजाज भी भाप रहा है। पंजाब की सियासी लड़ाई में कामयाबी उसे ही मिलेगी जो जानता है कि पंजाब के दिल में क्या है और वो क्या चाहता है। इस सियासी एडवेंचर के खेल में कौन और क्या गेम चेंजर साबित होगा, आज बड़ा मुद्दा में चर्चा इसी पर। पंजाब के वोटर की नजर इस बात पर है कि बेअदबी पर बात करने वाले नेता बेअदबी के गुनहगारों को कब सजा दिलाएंगे या फिर वोट हासिल कर सत्ता की दहलीज पर दस्तक के साथ सब भूल जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब की धरती से शुरू हुई लड़ाई ने दिल्ली की सीमाओं पर ऐसा गेम दिखाया कि देश के सियासत के शहंशाह को उनकी बात माननी पड़ी। वही पंजाब को सौगात देने के लिए पंजाब आए पीएम मोदी को अपनी सुरक्षा में हुई चूक को लेकर दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली वापस लौटना पड़ा। पीएम की सुरक्षा में चूक का यह मामला अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन इसका किसे सियासी नफा नुकसान होगा यह दिलचस्प है। बॉर्डर स्टेट होने के चलते सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। कुछ दिन पहले ही गुरदासपुर में आरडीएक्स बरामद हुआ था और अब अमृतसर में 5 किलो आरडीएक्स मिला है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं पंजाब में होती रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को ऐसे मसले हैं जो हर स्टेट के मुद्दे रहे, पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। वह कोरोना संकट से उभरने में कितनी सफलता पंजाब को मिली, क्या तमाम चीजें इस बार पंजाब के सियासत में गेम चेंजर साबित होंगी या फिर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से गढ़ी जा रही रणनीति इस सियासी एडवेंचर में गेम चेंजर साबित होगी। इसके साथ ही सियासी दलों के कैप्टन कौन कौन होंगे, क्या जनता की इस पर भी बड़ी नजर है, आज बड़ा मुद्दा में चर्चा इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ेगा, उसका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। लेकिन पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, पर महत्वपूर्ण यह है कि पंजाब के लोगों को जो इस बार वोट करना है वो किन मुद्दों को लेकर वोट करना है। बहुत से ऐसी बातें रही हैं जो इस विधानसभा चुनाव से पहले भी चर्चा का विषय रही हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन रहा, यह बड़ा मसला कितना इसमें चुनाव पर असर डालेगा। पंजाब में लगातार बेअदबी के मामले होते रहे, युवाओं में नशे के बढ़ते चलन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला क्या यह बड़ा मसला रहेगा? बॉर्डर स्टेट होने के नाते सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कॉमन मुद्दे हैं जो हर स्टेट में देखने को मिलते हैं, और कोरोना संकट काल में कितना काम हो पाया इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देता हूं। राणा बलजीत चहल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है। चहल साहब, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सन्नी अहलूवालिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मेरे साथ है। सन्नी अहलूवालिया जी, बहुत स्वागत है आपका भी। दीवान अमित अरोड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। अमित अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और शंभू भद्रा, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। शंभू जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस खास चर्चा में। मैं पहला सवाल बजीत चहल आपसे करना चाहूंगा। पहले बेअदबी को लेकर बात करते हैं। बेअदबी के मसले को लेकर यह कहा जाता रहा है, राजनीति के जानकार लोग मानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। हालांकि कारण और भी बहुत से रहे, और कांग्रेस पार्टी यह कहकर लोगों के बीच गई थी कि हम इस मसले को सुलझाएंगे और जो बेअदबी हुई है इसके गुनहगारों को सजा दिलाएंगे। लेकिन आज तक यह पूरा प्रकरण जो है कहां तक पहुंचा, यह समझना जरूरी है। क्या आज भी जनता के बीच आप लोग जाते हैं तो इस मसले पर चर्चा होती है, यह मैं जानना चाहता हूं आपसे। और यह सवाल पूछा जाता होगा कि आपने किया क्या अब तक? चहल साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे तक, कोई दिक्कत है मुझे लगता है। ऑडियो में प्रॉब्लम है, वीडियो तो ठीक आ रहा है, ऑडियो में दिक्कत है, इसको एक बार ठीक कर लिया जाए। मैं तब अमित अरोड़ा साहब आपके पास आऊंगा। ये माना जाता है कि
भारतीय जनता पार्टी और अकाली गठबंधन की जो सरकार थी, ये सवाल मेरा आपसे भी होना था लेकिन मैं आपसे सवाल कर लेता तब तो घोटा ठीक हो जाता है। बीजेपी और अकाली दल का अच्छा खासा गठबंधन चल रहा था 2017 में, ये माना जाता है कि इसका असर हुआ, हालांकि और बहुत कारण होते हैं, लेकिन इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार घिरी और उसका खामियाजा बीजेपी अकाली गठबंधन को भुगतना पड़ा। आप सत्ता में वापसी नहीं कर पाए, आप दोबारा से चीज को नहीं दोहरा पाए, क्या ये बड़ा कारण था? और इसमें आज तक की जांच की बात आपसे करूं तो कितना संतोष है भारतीय जनता पार्टी को कि अब तक कुछ हुआ है काम? ऐसा शमशेर जी के वादा किसने किया था? बेअदबी कांड के मुजरिमों को चालाकों के अंदर करने का वादा किया था कांग्रेस सरकार ने जी, इनके मैनिफेस्टो में लिखा था हम सजा देंगे, गुरुओं की बेअदबी की हम लोग सजा देंगे। और यही बात करके सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब को चलता किया था जी, लेकिन उनको चलता करने के बाद जो मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी आज ढींगे हांक रहे हैं कि मैंने 110 दिन में 1100 दिनों का काम कर दिया, अरे भाई उसमें आपने बेअदबी के मुजरिमों को भी सजा दिलवानी थी, उसमें आपने घर घर नौकरी भी देनी थी, उसमें आपने 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता भी देना बेरोजगार युवाओं जी, उसमें आप लोगों ने पूर्ण कर्जा माफी भी करनी थी। अरे भैया 1100 दिनों नहीं 110 दिनों आपने एक दिन का भी काम नहीं किया। एक दिन का मुख्यमंत्री जो एक फिल्म आई थी उसने तो फिर भी बहुत से काम किए थे, लेकिन आपने 110 दिन काम किया है, लेकिन जिस कारणों से कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेदखल किया गया था उस काम को तो आप पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अब वो कैप्टन आपके साथ हैं, अब वही कैप्टन आपके साथ हैं। नहीं, उनके मैनिफेस्टो में लिखा है भाई, कांग्रेस के मैनिफेस्टो उठा के देखिए। नहीं, मंशा तो भारतीय जनता पार्टी की रही है ना, मंशा तो भारतीय जनता पार्टी की भी है कि बेअदबी के मामले पर जिन लोगों ने गुनाह किया उनको सजा मिलनी चाहिए, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, लेकिन वो काम कैप्टन 4.5 साल में नहीं कर पाए, ये आपका कहना है। अब ऐसे में कैप्टन नहीं कर पाए, अब वो कैप्टन आपके साथ हैं। शमशेर जी, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी ना। मैनिफेस्टो किसका था 2017 में? उसमें ये तो नहीं लिखा था ये कैप्टन का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो था भैया। आप उनका मैनिफेस्टो उठा के देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस चेहरे पर चुनाव लड़ी और जीती वो चेहरा तो कांग्रेस का ही था ना। अरे भैया चेहरे को क्या करना है, सरकार तो पार्टी की होती है ना, इंडिविजुअल तो होती नहीं है। ठीक है, आप एक चैनल के एंकर के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहूँ जी आपने वादा किया कोई बात आप कर रहे, मैं तो चैनल के ऊपर बैठा हूँ, मैं शमशेर के ऊपर साथ नहीं बैठा हुआ हूँ। तो ये कैप्टन की जो आप बात कर रहे हैं ना, कैप्टन किसका चेहरा थे? कांग्रेस के चेहरा थे ना, इंडिविजुअल तो नहीं ना थे किसी चीज के। वो मैनिफेस्टो जो था वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, बनाया किसने था? राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बनाया था। तो कुल मिला के टोटल कांग्रेस सरकार फेलर है। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। राणा बलजीत चहल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राणा बलजीत चहल, बेअदबी के मामले को लेकर आप लोग लगातार श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार को घेरते रहे और इस पूरे प्रकरण को लेकर आप लोगों ने सरकार को घेरा और उसका फायदा यह हुआ कि 2017 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी और अकाली दल घेरते हैं कांग्रेस पार्टी को कि जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी, क्या उस मुद्दे का हल हो गया? 4.5 साल कैप्टन मुख्यमंत्री रहे और अब 110 दिन की सरकार चन्नी सरकार भी रह चुकी है, कहां तक पहुंची है जांच और कब तक मिलेगी सजा? क्योंकि पिछले दो मामले ऐसे सामने आए जिन लोगों ने बेअदबी करने की कोशिश की उनको तो आमजन ने पीट पीट कर मार डाला। देखिए शमशेर, से सहमत हूं, कांग्रेस पार्टी दो बड़े मुद्दों को लेकर इलेक्शन में आई थी 2017 की, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था बेअदबी श्री गुरु ग्रंथ साहब की और दूसरा था नशे का।
ये बात कर रहे हैं, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं, हमारा जो हिंदुस्तान का सारा एक राजनीतिक समीकरण है यही एक घटिया चरित्र जो लीडर्स का होता है उसी को लोग इस इलेक्शन में भाप के वोट डालेंगे, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4-4.5 साल में मुख्यमंत्री कांग्रेस का होते हुए अकाली दल को बचाया, अकाली दल के उन लोगों को बचाया जिन लोगों ने बेअदबी की, उन लोगों को बचाया जिनकी वजह से पंजाब में घरों के दीपक बुझ गए, तो उन लोगों को बचाया जिन्होंने कि सारा ये घटनाक्रम में पूरा रोल निभाया। जहां तक आप बात कर रहे चन्नी साहब, आलाकमान कहां बैठी थी तब? आलाकमान कांग्रेस की कहां बैठी थी जब ऐसी चीजें सामने आ रही थी, तो वो बचाने का काम कर रहे थे, नजर तो रही होगी ना उनकी भी कि क्यों अकाली को बचाने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी, ये नजर तो रही होगी ना आलाकमान की। अब अचानक से क्या हो गया कि 6 महीने पहले उनको बदल दिया जाता है? शमशेर जी देखिए, ये बिल्ली थैले से पत्ता पाई, जब लास्ट वक्त पे हमारा जो एक ड्रग्स की फाइल हुआ था, चलान पेश हुआ था, सॉरी इसमें बेअदबी के मामले को लेके जो एक चलान पेश हुआ था, उस जो कुंवर विजय प्रताप वाली रिपोर्ट थी, तो उसके बाद हमें पता लगा बाहर आके बातों का कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से किस तरह से बातों को मैनिपुलेट करके आधे तथ्य को अंदर रख के वो एजी काम कर रहा था। वो किसके द्वारा करवा रहा था? वो कैप्टन अमरिंदर सिंह करवा रहे थे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो कोई प्लानिंग और ही थी ना। जिस बंदे ने पार्टी छोड़नी हो, जिसने पार्टी को खत्म करना हो, और वो पहला से ही दूसरा घर देख के रखता है कि मैंने वहां जाना है। आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी से भी लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे आने वाले इलेक्शन में, जब वहां पहुंचेंगे वो वोट मांगने के लिए कि आपने क्या किया। तो उसके लिए जो 111 दिन का रिपोर्ट कार्ड चन्नी का है, तो हम उसमें बताएंगे कि ये जो तथ्य हैं, ये तथ्य सामने आए हैं, और इन तथ्यों को लेके अब मैं समझती हूँ ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए लोगों के से वोट मांगने के लिए कि भाई अभी आप हमें एक और मौका दीजिए, ठीक है ना, कि आप हमें मौका दीजिए, क्योंकि इस वक्त जो मुद्दे होंगे चुनाव में वो अलग ही मुद्दे होंगे, जिसमें मुद्दा होगा कि किसानी आंदोलन को लेके किसानों के जो कृषि बिल आए हैं। इस पे आऊंगा मैं चल साहब, इस पे आऊंगा, लेकिन मैं एक सवाल अहम जानना चाह रहा था कि जो बेअदबी के मामले को लेकर अभी फिलहाल दो घटनाएं घटी, उन्हीं की बात कर लेता हूं, ये तो चन्नी सरकार के कार्यकाल में घटी थी, इनमें हम कहां तक पहुंचे हैं, यहां जो जांच है वो कहां तक पहुंची है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, उसके बाद मुझे अहलूवालिया के पास जाना है। ये एक बड़ा मसला है जिसपे हर पार्टी का रुख आम जन पंजाब का जानना चाहता है। मेरी बात सुनिए, वो जो अभी जो दो पार्ट्स आप एंगल्स की बात करें, जो अभी हुआ है दैट इज इन अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के तहत सामने आएंगे वो सभी के सामने होंगे। जो भी उस चीज में बेसिकली क्या होता है कि बेअदबी करने वाला बेअदबी नहीं करता, बेअदबी करवाने के पीछे मंशा क्या होती है। जैसे अभी हमारा केस था, मैंने बहुत सी डिबेट्स में कहा था कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बेअदबी हुई अकाली दल के राज में, वो तो एक पार्ट है ही है कि बेअदबी किसने की, पर बेअदबी क्यों करवाई, किस मंशा के लिए करवाई, वो भी जानना लोगों के लिए सामने लाना जरूरी हो जाता है। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस, आम जनता के बीच में आती नहीं है, चुनाव आता है, चुनाव के दौरान ये मसले बनते हैं, लेकिन आम जन के बीच में ये नहीं पहुंच पाता कि वाकई में गुनहगार कौन है और कौन उसको बचा रहा है। मैं अहलूवालिया साहब आपसे जानना चाहूंगा, बेअदबी के मसले को लेकर मैं बात कर रहा हूं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो मेरे साथ प्रवक्ता बैठे हैं उनसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मामले पर कौन सी पार्टी का रुख क्या है। मैं आम आदमी पार्टी से समझना चाह रहा हूं कि ये जो मसला है 2015, हालांकि इतिहास में जाएंगे तो ये बहुत पुराना मामला है, कई दशकों पुरानी चीजें घटित होती रही है पंजाब की धरा पर, लेकिन अभी फिलहाल पिछले 5-6 साल का इतिहास हम देखें तो इस इतिहास में हम पाते हैं कि मामले घटित होते हैं। कुल मिलाकर मैं बताऊं 2015 से लेकर अब तक 150 से ज्यादा ऐसे मामले जिसमें सिख भी है, हिंदू भी, इस्लाम भी, इनसे जुड़ी घटनाएं हुई है, लेकिन घटनाओं के लिहाज से देखें तो आमजन के बीच में एक मैसेज गलत जा रहा है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही और इसका जिम्मेदार कौन है। 2000 के अंदर शमशेर जी, जब पहली बार बेअदबी हुई थी तो सरकार थी अकाली दल की और बीजेपी की, इन्होंने तब कोई कार्रवाई नहीं होने दी, तब सीबीआई के पास केस गया था, सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की, सेंटर के अंदर भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस का वो था, तब सरकार इनकी थी, अकाली दल के साथ इनकी सरकार थी, इन्हें कोई काम नहीं किया। अगर उसी टाइम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को पकड़ लेते और पता कर लेते कि इसके अंदर ये जिम्मेवार है और उसको ये सजा देगी, तो आगे ऐसे मामले ना आते। उसके बाद
हमारे कैप्टन साहब ने गुटका साहब को हाथ में पकड़ के कसम खाई, बेतबी के मामले में भी और ड्रग्स के मामले में भी। उस टाइम के अंदर भी कैप्टन साहब बुरी तरह फेल हुए और 4.5 साल जिस निकम्मे कैप्टन ने कोई काम नहीं किया उसी को बीजेपी ने फिर से चुन लिया। और बीजेपी के प्रवक्ता ने यह कहा किसी उसके ऊपर कि कैप्टन के चेहरे से बीजेपी उनके साथ मिलके इलेक्शन लड़ रही है। तो बेतबी के मामले के अंदर जहां बीजेपी और अकाली दल पहले फेल हुआ और कांग्रेस उसके बाद फेल हुई, और उसके बाद 100 से ज्यादा मामले, जैसे आपने भी बताया भी 150 से ज्यादा मामले आए, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ना कैप्टन साहब ने करी ना चन्नी साहब ने करी। चन्नी साहब ने कहा था 48 घंटे के अंदर मैं पकड़ के ला दूंगा, लेकिन कोई नहीं हुआ। उसके बाद जलंधर में हुई तब भी इन्होंने ऐसी बात कही, पर उसके ऊपर भी कैप्टन भी नहीं सीरियस थे, ना चन्नी जी सीरियस है, ना बीजेपी सीरियस थी, ना अकाली दल सीरियस था। क्योंकि अगर ये लोग सीरियस होते तो 2015 के अंदर ही ये लोग ढूंढ लेते, तब सीबीआई के पास केस गया, सीबीआई कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद केस वापस आ गया, कैप्टन साहब के पास भी आया, अकाली दल के पास भी केस रहा, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और पंजाब इनसे हिसाब मांगता रहा और पंजाब के लोग मांगते रहे, इनसे पूछते रहे ये बात, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अब इनको पता है कि हम इस मुद्दे के ऊपर सबसे ज्यादा घिर रहे हैं, इस करके ये कहते हैं हम कार्रवाई करना चाहते थे लेकिन कैप्टन साहब ने नहीं करने दी। ये कहते हैं कि चन्नी साहब करना चाहते थे और इन्होंने कहा था कि मैं 48 घंटे में कर दूंगा, पर इन्होंने भी कुछ नहीं किया। और ना ये सीरियस है इस चीज को लेके, ये सिर्फ इलेक्शनों के अंदर इस मुद्दे को उछालते हैं, कसमें खाते हैं झूठी। बीजेपी भी झूठी कसमें खाती रही है, कांग्रेस खाती रही है, और वही कैप्टन जिसने कांग्रेस का शिफ्ट बोया, अब वो बीजेपी का शिफ्ट बोएगी बहुत जल्दी। ठीक है, मैं शंभू भद्रा जी आपके पास आऊंगा। तीनों पार्टियों का जो रुख है वो आपने समझ लिया, आपने जान लिया। अब एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इस बेअदबी के मामले को लेकर कोई सियासी दल इतना गंभीर है कि उसकी तुरंत जांच हो जाए, और जो आम जन है जो ये चाहता है कि जिस सिख धर्म को लेकर, जिस हिंदू धर्म को लेकर, इस्लाम धर्म को लेकर, ईसाई धर्म को लेकर जो भी घटनाएं पंजाब में हुई हैं, उन तमाम चीजों का दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए राजनीतिक पार्टियां वाकई में आतुर हैं, या फिर सिर्फ ये 2022 के चुनाव के लिए आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? आपका रुख जानना चाहूंगा। देखिए, आपके सवाल में ही जवाब भी छिपा हुआ है जी, कि धार्मिक उन्माद को लेकर के जो भी हमारे देश में राजनीतिक दल है समय समय पर अपने अपने हिसाब से राजनीति करती रही है। बीजेपी को जो सूट करता है वो बीजेपी करती है, कांग्रेस को जो सूट करता है वो कांग्रेस करती है, आम आदमी पार्टी को जो सूट करता है वो आम आदमी पार्टी करती है। अभी पंजाब में चूंकि कांग्रेस के अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं इस 6 महीने के अंदर में कि कांग्रेस कहीं से भी उस कंडीशन में नहीं है कि जो एक समय में उनको लीड हुआ करती थी वो लीड इस वक्त उसके हाथ में नहीं है। कैप्टन अमरिंदर के जाने के बाद से कांग्रेस का जो जनाधार है या कांग्रेस की जो स्थिति है पंजाब में, जो विश्वसनीयता जनता के बीच में कांग्रेस को लेकर के थी, वो विश्वसनीयता इस वक्त कम से कम पंजाब की जनता में कांग्रेस के प्रति नहीं है। सिद्धू प्रकरण, उसके बाद चन्नी, सिद्धू का कोई स्टैंड नहीं होना, एक राजनीतिक विश्वसनीयता सिद्धू के प्रति कमी है पंजाब में, और अमरिंदर के जाने से कांग्रेस को की जो विश्वसनीयता है वो जनता के बीच में दरकी है, यानी जनता को उस तरह से विश्वास नहीं है जैसे कि पहले था। तो इस कारण से अब धार्मिक चीजों को, जैसे बेअदबी का मामला है, इसको लेकर के चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, किसी ने भी ईमानदारी से इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लिया है। सबको लगता है कि यह एक सेंटिमेंट है, जनता के बीच सेंटिमेंटल मुद्दा है। जब आप जेन्यून काम नहीं करती है सरकारें, तो सरकार को ऐसे अनप्रोडक्टिव मुद्दे चाहिए होते हैं जो लोगों की भावना को एकजुट कर सके या भावना को भड़का सके। जो उस तरह की के मुद्दे को राजनीतिक दल हमारे चुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो 5 साल में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, पूरे देश का लीजिएगा, पंजाब का लीजिएगा, तो वो जन आकांक्षा को पूरा नहीं कर पाती है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इससे पहले 10 साल शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार हो, पंजाब में जो नशे की समस्या है, पंजाब में जो बेरोजगारी की समस्या है, वो यूं के यूं है। 10 साल उनको भी आपने मौका दिया। शंभू जी, इस पूरे मामले को लेकर आपकी बातों से जो निष्कर्ष निकलता है, पहले सवाल थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि निष्कर्ष निकल रहा है
कि धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने के लिए सियासी दलों का अपना एक वोट बैंक साधने का कार्यक्रम होता है, तो पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हमारी आपसे अपील है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट करें, लेकिन धार्मिक भावनाओं को उन्माद करने या उनके साथ खिलवाड़ करने या फिर उनके लिहाज से आपकी भावनाओं को अपने वोट में तब्दील करने की कोई राजनीतिक पार्टी कोशिश करे तो आप जरा उससे बचने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है और इसी चीज से कई बार सरकारें बदल जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं, लेकिन आप राजनीतिक दलों की जो बातों में ना आए, क्योंकि ये जो मसला है ये आपकी अपनी भावना से जुड़ा मामला है और आप बहुत सोच समझ कर वोट करें, हम आपसे अपील करते हैं। एक सवाल, दूसरा सवाल मैं बलजीत चलसी आपसे करना चाहूंगा, नशे के मुद्दे को लेकर आपने छेड़ने की कोशिश की, नशा पंजाब की सियासत में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इस नशे की रोकथाम के लिए, रोकने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां दावा करती हैं, तीनों पार्टियों से मैं सवाल करूंगा, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे कि इस नशे को रोकने के लिए दावा किया गया था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी, जब उस वक्त अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, कि पंजाब से नशे को खत्म करेंगे, लेकिन आज तक ये खत्म नहीं हुआ है। बलजीत चहल साहब, राणा बलजीत चहल, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए आवाज पहुंच पा रही है। बलजीत चहल साहब, सवाल मेरा आपसे, चहल साहब आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं सर कि ये जो नशे की रोकथाम के लिए जो पंजाब में उड़ता पंजाब नामक फिल्म भी बनी, और वो इसलिए बनी क्योंकि पंजाब का ज्यादातर युवा इस नशे की चपेट में है और जाने कितने घर टूट गए, कितने परिवारों के सर से पिता का साया उठ गया, कितने युवा बेवक्त उनकी मौत हो गई। अब ऐसे में इस नशे की रोकथाम के लिए पंजाब की आवाम ये समझना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ने किया क्या और अब आगे क्या रणनीति है, 110 दिनों का बताइए, 4.5 साल का बताइए। देखिए, जो काम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अच्छे किए हैं वो काम उन्होंने अच्छे किए भी हैं, जैसे नशे की आप बात कर रहे हैं, नशे को लेके पंजाब गवर्नमेंट ने नशे की जो बॉर्डर से के थ्रू सप्लाई आती थी तो उसकी रोकथाम की, और उसके बाद कुछ हमारे जो एक टीम्स संगठित की गई एसटीएफ की तरफ से, तो उन्होंने नशे में काफी रोकथाम लगाई है। और जहां तक आप चन्नी साहब की बात कर रहे हैं, पहले क्या सिस्टम होता था शेर जी, पहले सिस्टम ये होता था कि जो भी जत्थेदार होते थे तो वो जत्थेदार सिस्टम होता था थानों में, वो जत्थेदार खुद ही नशा बिकवाते थे और उसका किंग पिन कौन है कौन नहीं है वो सबको पता है, ठीक है। तो अब कांग्रेस सरकार आने के बाद पहले तो ये कल्चर बंद कर दिया है कि इंचार्ज जो इन्होंने बनाए थे जत्थेदारों को, जो हल्का इंचार्ज बनाया था, तो इन्होंने हल्का इंचार्ज वाला सिस्टम कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया, पुलिस को फुल फ्लेज अपने हाथ में पावर देके काम करने के लिए कहा कि आप काम कीजिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी लंबी आती है जहां से प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बात भी वहां से इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 साल में इनका राज होते हुए अकाली दल जो इनके बड़े सरगना थे उनके कहने पे जथेदार नशा बिकवाते थे कांग्रेस सरकार आने के बाद। फिर से मैं बात कहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अच्छे काम किए उनको हम कहेंगे उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने नशे की रोकथाम की और उस बॉर्डर बेल्ट्स हैं जो बॉर्डर बेल्ट्स पे पंजाब पुलिस ने चौकन्ने होके वहां से नशे की जो खेपे उनको बरामद किया और उसको डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है। तो नशे को लेकर चन्नी सरकार भी अच्छा काम कर रही है और कैप्टन साहब ने भी अच्छा काम किया था, ठीक है। वो दूसरी बात ये है कि नशा अगर हम खत्म करना चाहते हैं, ये ना तो अकेली सरकार खत्म कर सकती है ना ये अकेले ऑफिसर काम खत्म कर सकते हैं, इसके लिए हम सभी को आम लोगों को लोकल पुलिस के साथ मिलके और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के ये नशा तब खत्म होगा, ठीक है। अब पुलिस को क्या होता है कि किसी घर में नशा बिक रहा है, सहयोग की जरूरत है, आप कहना चाहते हैं इंफॉर्मेशन देने नहीं जा रहे, पुलिस प्रशासन के सहयोग की जरूरत भी है और आम जन का इसमें सहयोग होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक दलों को आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पार्टियों के प्रवक्ताओं का क्या कहना है, आमजन इस कार्यक्रम को इसलिए भी देख रहा है क्योंकि आज हम जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं वो सारे पंजाब की आम जन से जुड़े हुए हैं। अमित अरोड़ा साहब, दीवान साहब, नशे की रोकथाम के लिए एक पक्ष तो अच्छा रखा है, बलजीत चहल जी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर ने जो किया उसका स्वागत करते हैं चाहे वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, इसको लेकर आपका क्या पक्ष है, बीजेपी क्या सोचती है, क्या नशे पे रोकथाम लगाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही? मैं कैप्टन अमरिंदर की बात कर रहा हूं
और इन 110 दिनों की बात भी आपसे समझना चाहूंगा, और कितना बड़ा है मुद्दा है जिसको लेकर पंजाब के लोगों को लगता है कि हाँ इस बार इस मसले पर कौन पार्टी क्या कहती है तो चुनाव मुद्दा बन सकता है। ऐसा है शमशेर जी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, अरे भाई राणा बलजीत जी आपके एक विधायक हैं सुखपाल सिंह खैरा, अब ये हमाम में नंगे हैं आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी। ये पहले विधायक थे आम आदमी पार्टी के। फाजिलका कोर्ट ने एक समन जारी किया, सुखपाल सिंह खैरा ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व है, तो ना कोई आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर एक्शन लिया, और जब वो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए तो कांग्रेस ने उसको चारों हाथों से उनको स्वीकार किया कि भैया आओ हमारे खेमे में, आओ हमारे दल बल में आओ। मतलब ये नशा बेचने वाले लोग हैं जिनको आम आदमी पार्टी ने भी पाला और बाद में कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया। अब ये कह रहे हैं जी हम नशा खत्म कर रहे हैं। अब चन्नी जी कह रहे हैं जी 110 दिनों में मैंने 1100 दिनों का काम किया। अरे भैया 110 दिनों में अगर 1100 दिनों का काम किया है तो नशा तो पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए था। बाकी मुद्दे तो है बद्रा साहब, आप देखिए 120 दलित लोग तरन तारण में जो जहरीली शराब से मरे थे, वहां के स्थानीय लोग कह रहे थे कि हमारे इलाके का जो विधायक है वो नशा बिकवाता है, उसके खिलाफ तो कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई जांच बिठाई ना कोई कार्रवाई की। क्या तो ये दुर्भाग्यजनक बीजेपी का नशे के मसले को लेकर बीजेपी का रुख क्या है, बीजेपी का रोडमैप क्या है? क्योंकि पंजाब की जनता अगर नशे की रोकथाम को लेकर बीजेपी को वोट दे तो फिर क्यों दे, क्या सोच कर दे? देखिए पंजाब के जितने मसले हैं वो केवल एक ही पार्टी दूर कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी। डबल इंजन की सरकार जितने पंजाब के मसले, कर्ज में डूबा हुआ है 3 लाख करोड़ के नीचे पंजाब, पंजाब में 70 सालों से जिन जिन पार्टियों ने राज किया है, पंजाब की राजधानी का अपनी राजधानी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, पंजाब के पानियों का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, जितने पंजाब के मसले हैं उन पे बात मैं कर रहा हूं। लेकिन नशे की रोकथाम के लिए कोई बीजेपी को वोट दे तो क्यों दे, मैं उस पर बात कर रहा हूं। आप लोगों के पास क्या रोडमैप, आपने तैयारी कर ली होगी, आपको भी अपना मैनिफेस्ट जारी करना है, आपने सोच लिया होगा कि ये कैसे रुकेगा, इसके पीछे आप लोग क्या देख रहे हैं, इसको रोकने के लिए तैयारी क्या है? बाकी मसलों पे बाद में मैं करूंगा। जी ये कांग्रेस सरकार ने वादा तो किया था कि 15 दिन में नशा खत्म करेंगे, लेकिन इन्होंने बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो बड़ी मछलियों को अंदर किया जाएगा। ठीक है, ये आप कहना चाहते हैं, समझ गया मैं। ये बड़ी मछलियों को पकड़ने का सवाल हर बार उठा है और इसको लेकर दावा कर रहे हैं अमित अरोड़ा साहब कि हम जब सरकार आएगी तो बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, इसलिए जनता में वोट करें। मैं सन्नी आलूवा जी आपके पास आऊं, बद्रा साहब आपके पास आऊंगा, चर्चा लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद और भी 2-3 मसलों पर चर्चा करेंगे, और चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश की जनता, पंजाब की जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रही है और उनके पास रोडमैप क्या है इलेक्शन में जाने का और इलेक्शन में मुद्दों को सुलझाने का। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हासिल होता है। आपके दो हाथ जादूगर नहीं है फिर भी जादू दिखा सकते हैं, कभी आशीर्वाद बन जाते हैं तो कभी माफी, कभी प्यार बन जाते हैं तो कभी तकरार, कभी हौसला बन जाते हैं तो कभी ताकत, और समझदार बन जाएं तो पर्सनल बॉडीगार्ड भी बन जाते हैं। कैसे, देखिए दो हाथों की मदद से आप साबुन के झागों से वायरस की धुलाई भी कर सकते हैं, नाक मुंह ढकने के लिए मास्क पहन सकते हैं, खिसक जाए तो ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, इन्हीं हाथों से तो 2 गज की दूरी नाप कर आप सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो हरियाणा दिखा दो अपने हाथों का जादू और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी।
लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर वन है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी, दो दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड, ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा, सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सालों साल। प्रगति पर मार पिछड़ा कारोबार, मजदूर, किसान और दुकानदार, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोजगार, हर तरफ कोरोना का कड़ा प्रहार। महामारी के आगे सिस्टम भी लाचार, कोविड से कैसे लड़ रही सरकार, खबर फास्ट पर देखिए गुरुग्राम ई संचार, 15 जनवरी शाम 5 बजे वार शनिवार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक कबीर अमेजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ। एक ही बोतल में 3 कोड़, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे, शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सियासी एडवेंचर, कौन होगा गेम चेंजर और क्या गेम चेंजर होगा, ये आज चर्चा हम कर रहे हैं। कुछ ऐसे मसले हैं जो पंजाब की राजनीति पर असर डालते रहे हैं, लेकिन इस 2022 के विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालेंगे, इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं का क्या कहना है और निष्कर्ष को लेकर शंभु भद्र जी का क्या कहना है, मैं लगातार बात उनसे कर रहा हूं। एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का स्वागत है, चर्चा लगातार जारी है। शंभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटा सा कमेंट आपको, उसके बाद मैं आलूवालिया साहब के पास जाना चाहूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के साथ ही हमारे कम्प्लीटली नशे के लिए कांग्रेस या दूसरे दलों की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। 10 साल तक पीछे बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की सरकार रही है जी। तो उस 10 साल में इन लोगों ने क्या किया, केंद्र में सरकार थी और उसके बाद इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता इस वक्त रडार पे हैं। तो कहने का सेंस है, सरकार की हो, आप चैनल पे बैठ के किसी भी एक दूसरे पे आरोप लगा दें, लेकिन इस जनता ने सभी दलों को मौका दिया है, बीजेपी हो, शिरोमणि अकाली दल, जब गठबंधन में कोई सरकार काम करती है तो गठबंधन में कोई दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। ये नहीं कि शिरोमणि अकाली दल जिम्मेदार है और बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहे हैं, ठीक है, और प्रकाश सिंह बादल से बीजेपी की करीबी रही है, मतलब बहुत नजदीकी रही है बड़े नेताओं की। और उस मायने में अगर उनके दल के नेता अगर ड्रग्स मामले को लेकर के रडार पे हैं, कानून के का सामना कर रहे हैं, तो उनकी नैतिकता के आधार पे आप ड्रग्स को लेकर के दूसरे पे केवल आरोप लगाना जी। मैं समझता हूँ केवल बस राजनीतिक रूप से आप बोल रहे हैं। साहब, आपके पास आऊंगा एक छोटा सा कमेंट में। जो करने की बात है ना, कि जब सत्ता में रहते हुए जो करने की एक्शन की बात है, तो चाहे केंद्र में हो, राज्य में हो, बहुत कुछ कोई भी सरकार कर नहीं पा रही है जी। इस पे काम होता हुआ कम नजर आता है, जिस पर किया जाना चाहिए। अमित अरोड़ा जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन आलूवालिया साहब लगातार बने हुए हैं, उनसे भी एक सवाल लेना चाहूंगा। आलूवालिया साहब, नशे की रोकथाम को लेकर अरविंद केजरीवाल भी तमाम बड़े दावे करते हैं, पंजाब की सियासत पंजाब की आमजन के बीच पहुंचते हैं, तो ये कहते हैं कि पंजाब से नशा किसी पार्टी ने खत्म नहीं किया, तुम आप लोगों ने अकाली को देख लिया, बीजेपी गठबंधन अकाली को देख लिया, आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को देख लिया, लेकिन अब तक खत्म नहीं हो पाया, हम खत्म कर देंगे, क्या रोडमैप आपके पास है? देखो, केजरीवाल साहब ने सबसे पहले एक ही बात कही थी कि हम सरकार में आते ही 4 हफ्तों में नशा खत्म कर देंगे। नशा खत्म करने का तरीका क्या है कि नशा बेचता कौन है? 2014 का केस है, विक्रम सिंह मजीठिया भी नशा बेचते थे, तब उनकी सगी बहन
बीजेपी की सरकार के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर थी और उस टाइम के ऊपर इंक्वायरी करेगी। जलंधर के अंदर इंक्वायरी चली और जलंधर के दिसंबर के महीने का दिन याद है आज भी मुझे कि जब वो बाहर निकल के आए तो उन्होंने सबसे पहले पानी मांगा, उनके पसीने निकल गए थे और उस टाइम के ऊपर जो बंदा इंक्वायरी कर रहा था बीजेपी ने साथ के साथ उस इंक्वायरी वाले बंदे की वहां से ट्रांसफर कर दी और वो बंदा हाई कोर्ट से केस जीता और वापस आया। जब वो वापस आया तो पता लगा भी सारी फाइलें बीजेपी ने अपने पास मंगा ली हैं। ये बीजेपी यहाँ पे बैठ के ढोंग कर रही है कि हम नशा को मुक्त करेंगे, जब इनका नाम मंत्री थे पंजाब के अंदर बिक्रम सिंह मजीठिया अकाली दल के अंदर, तब उनका नाम आया था, इन्होंने उनको बचाया है। हम चार हफ्ते के अंदर जितने भी लोग नशा बेच रहे हैं, बेशक वो एमएलए हो, बेशक वो कोई मंत्री हो संतरी हो, हम सबको अंदर करेंगे और साथ के साथ नशा मुक्त पंजाब को साथ के साथ करेंगे। यहाँ पे हाँ क्या है, जितनी भी डिस्टिलरियां इलीगल डिस्टिलरियां चल रही हैं सारी इनके एमएलए की, कांग्रेस के एमएलए। एक मैं छोटा सा कमेंट आपसे करूं आलवालिया साहब, आप ये कहते हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, पंजाब को नशा मुक्त आप करेंगे, लेकिन मैं दिल्ली की बता दूं आपको, दिल्ली में पिछले दिनों शराब आबकारी नीति को लेकर जो बदलाव होते हैं उस आबकारी नीति में मेरे पास एक आंकड़ा है जिसमें टोटल 272 वार्ड है, 272 में से 80 वार्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं थी, अब सभी वार्ड में शराब की दुकानें और हर वार्ड में तीन तीन चार चार दुकानें हैं। अब वो लीगल है मैं मान लेता हूं, लेकिन सुनिए, लेकिन आपने कहा कि पंजाब को नशा मुक्तम कर देंगे, पंजाब को नशा मुक्तम कर देंगे। सर दिल्ली में तो हर गली में शराब मिल जाती लीगली, तो नशा तो रीच में आ गया ना आम आदमी के, रीच में तो है नशा। शराब की जो शराब के ठेके हैं वो लीगल है इलीगल है, लेकिन नशा तो है सर, शराब क्या है? मेरी बात का जवाब दीजिए। हाँ। यहाँ पे इलीगल डिस्टिलरियां चला रहे हैं इनके एमएलए। सर मैं तो ये समझना चाह रहा था कि पंजाब प्रदेश को नशा मुक्त करने की बात आप कर रहे हैं, पंजाब प्रदेश को नशा मुक्त करने की बात कर रहे हैं। सर ये शराब, ये चट्टा, ये सब ये नशा है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सड़कों पर विरोध की तस्वीरें सामने आई। तब मैंने आपसे पूछा टोटल 80 वोट में एक भी, लगभग 79 वोट की बात कर रहा हूं, एक भी शराब की दुकान नहीं थी, जो रिकॉर्ड मेरे पास आंकड़ा मैंने लीगल है। मैं शेर जी मुझे बात का जवाब भी दीजिए, मैं जवाब दूंगा आपसे, मैं जवाब आपसे दूंगा, लेकिन आपने कहा कि हम बेचा जा रहा है, हम वहां पे क्या बेचा जा रहा है, हम खत्म कर देंगे पंजाब से नशा। सर ये नशा खत्म करना और बोलिए, आप बैन की बात नहीं कर रहे हैं, हम नशा की बात कर रहे हैं। आप जो सर लीगल और इललीगल सिस्टम को समझिए, मैं समझ रहा हूं सर, मुझे पता है, मुझे पता है लीगल क्या होता है, लीगल क्या होता है। चल रही थी वो कांग्रेस के एमएलए की थी और उसी कांग्रेस के एमएलए नवजोत सिद्धू के साथ देखे गए, वही एमएलए चन्नी साहब के साथ देखे गए, चन्नी साहब ने उनके बेटे को चेयरमैन बना दिया। सर कौन किसके साथ देखा जाता है, ये मसला नहीं है, ये मसला है कि पंजाब से नशा खत्म होगा क्या। मैं दिल्ली की आबकारी नीति की तुलना अगर करूं बाकी स्टेट से, तो यहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार जाती है कि यहां पर आबकारी नीति में बदलाव करके आप लोगों ने हर वार्ड में तीन से चार ठेके कर दिए शराब के। अब ये शराब रीच में, देखिए ये ऐसी चीज है, जितनी ज्यादा रीच में होगी उतना ज्यादा लोग खरीदेंगे, कोई भी चीज रीच में होती है। अब इसको थोड़ा सा अगर दूर कर दिया जाता, कम कर दिया जाता तो शायद कुछ असर पड़ता, ये चीज मैं समझना चाह रहा हूं। लीगल इलीगल पे बात नहीं कर रहा मैं, आप शमशेर जी लिकर को बैन करने की बात कर रहे हैं कि नशे को खत्म करने की बात कर रहे हैं, नशे को खत्म करने की बात कर रहा हूं सर, लिकर भी उसी में आता है। ऐसा है कि जो लीगल नशा होता है ना, लीगल लिकर जो उनसी है, आप इसको किसी चिट्टे के साथ नहीं तोल सकते जिसके बॉडी के परफेक्ट होते हैं, जो बैन ड्रग है इंडिया के अंदर। यहाँ तो आप इंडिया के अंदर दिल्ली में बैठी है सरकार इनकी सेंटर की, नशा लीगल और इलीगल दो तरीके का होता है, मैं समझ गया सर। आलूवालिया साहब मुझे सबूत के पास जाना है, कांग्रेस के मंत्री हैं, बीजेपी वाले खुद इनके जो कैबिनेट, मैं आज जो मसले लेकर आया उसमें कहीं ना कहीं हर पार्टी मुझे घिरती हुई दिखती है। शंभू भद्रा जी आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी सुन रहा। शंभू भद्रा जी मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि नशे को लीगल या इलीगल कहा जाए या नशे को खत्म किया जाए, नशे की रोकथाम की जाए या इसके कुछ कंडीशंस लगाई जाए, इस पर बात होनी चाहिए ना कि कितना ज्यादा, कितनी ज्यादा हमने दुकानें लीगली खोली हैं, कितना ज्यादा हमने उसको लीगल किया, कितने लोगों को हम पकड़ेंगे और कौन कौन उसमें शामिल है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए भारत में नशा को लेकर के और खास करके जब आप पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में नशा को लेकर के, नशा को रोकने की दिशा में पंजाब की राजनीतिक दलों ने
जो जो भी सत्ता में आए हैं, जो भी दल सत्ता में आए हैं, ईमानदारी से कहिए तो काम नहीं किया है। पंजाब एक सीमावर्ती स्टेट है और इस कारण से पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से नशे की खेप बहुत तेजी से रीच है पंजाब में। लेकिन सरकारों ने, केंद्र सरकार के साथ मिलके, सेना के साथ मिलके, बीएसएफ के साथ मिलके, राज्य सरकारों ने इसको रोकने का ईमानदारी से काम नहीं किया है। और इवन की जो सत्ता में वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ लोग रहे हैं, उन लोगों के हाथ कहीं न कहीं नशे में सड़े हुए हैं और वो अभी आरोपित हैं, कोई सामना कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, सब सामने में है। तो चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यही दोनों को ज्यादा मौका मिला है वहां पे, सॉरी शिरोमणि अकाली दल को काम करने का, और दोनों ने ही नशे को जो जड़ को तोड़ना चाहिए उसके लिए कोई ईमानदारी से काम नहीं किया है। सामने दिखता हुआ छोटे लोग को पकड़ लेना, कुछ लोगों को करना, कोई पॉलिसी नहीं बनाई है इस तरह से कि हमको नशे को रोकना है। जहां तक आम आदमी पार्टी की जो अभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो तो केवल बातों में, क्योंकि सरकार में तो वहां वो कभी रहे नहीं है और शायद इस बार चांस हो कि सरकार में वो आ जाए, तो आगे क्या होगा वो उनकी बातों को समय बताएगा कि वो पंजाब, लेकिन पंजाब में नशे के रैकेट को खत्म करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए, खास करके जैसे आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसके लिए वो 4 महीने या 2 महीने का ये आसान काम नहीं होगा कि आप 3 महीने में या 4 महीने में कुछ कर लेंगे। उसके लिए प्लान्ड वे में आपको 6 महीना साल भर लगातार काम करना पड़ेगा, तभी जा करके आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ उसको पकड़ सकते हैं, जो बड़े लोग हैं उनको कानून के कटघरे में आप ला सकते हैं। केवल बातों से तो नहीं लगा, जो दिल्ली में आपने पॉलिसी की, अभी अभी केजरीवाल साहब ने पॉलिसी लॉन्च करी थी कि हम लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे शराब, चाहे वो लीगल हो, लेकिन जब आप घरों तक पहुंचाने की डिलीवरी करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको, आपके मन में रेवेन्यू है, ना कि नशा को बंद करने की बात है। जैसे बिहार ने, गुजरात ने शराबबंदी ऐलान किया, अगर इन सरकारों में दम है तो इन्हें बंदी का ऐलान करके देखना चाहिए कि आप इसको केवल रेवेन्यू के लिए आप इनको चलने देना, या फिर जो एक तरीका होता है कि आप नशे की जो बॉटल है वो उसको लिमिट करिए, उसको 30 ml, 50 ml, 60 ml से ज्यादा का बॉटल ही ना बने, बॉटलिंग ही नहीं हो, इस तरह की आप सिस्टम लेके आएंगे तो लोग उसको, एक आदमी को आप बैन करिए कि एक आदमी 2 ही बोतल खरीद सकता है, एक ही बोतल खरीद सकता है, जब इस तरह से आप बैन करना शुरू करेंगे तो लोगों पे अंकुश आएगा थोड़ी सी और कंट्रोल, लोग कंट्रोल होगा, कंट्रोल होगा। यहाँ तो कंट्रोल करने की एक ही नीयत ही नहीं है किसी भी, मतलब मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो। अभी इस वक्त देखिए कि हिंदुस्तान में जो भी राजनीतिक चेहरे हैं, चाहे वो जिस भी दल के हों या जो भी राजनीतिक दल हैं, सभी को कम से कम, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 22 साल, किसी को 18 साल, इस तरह से अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में भी और दल के रूप में भी शासन करने का मौका मिला है। लेकिन किसी भी दल ने ईमानदारी से किसी बात में कोई ट्रेंड सेट नहीं किया है जी, चेहरे बदल, अहम बात है, नीतियां वही रहती है, बात वही रहती है। आपको ठीक है, मैं आपको अगर एक मिनट दें तो मैं नाम गिना दूंगा कि अभी राजनीतिक चेहरे कौन है सामने में, और उन चेहरों में देखिए कि सबको मौका मिला है 15 साल 20 साल का, लेकिन किसी के शासन में देख लीजिए। और फिर वही लोग आगे अगले इलेक्शन में दावा करते हैं कि मुझे वोट दीजिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अरे भाई, जब आपको 15 साल मौका मिला, 20 साल मौका मिला और आपने कुछ नहीं किया, गुजरात में 22 साल से बीजेपी है, 18 साल त्रिपुरा में मानिक चंद की सरकार रही, ज्योति बसु की सरकार रही 23 साल, नीतीश है 15 साल से बिहार में, लालू 15 साल बिहार में रह गए, मुलायम सपा बसपा मिला के 27 साल यूपी में राज किया है लोगों ने, पंजाब में देखिए अकाली दल ने 10-20 साल कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस का देखिएगा तो दिल्ली से लगा करके तमाम राज्यों सभी 15-15 साल शासन रहा है। आपने अगर अपने ईमानदारी से काम ही नहीं किया है इन चीजों को लेकर राज्यों में, कभी गंभीरता से सोचने की, ठीक है, इस देश को बेहतर देश बनाने का जो संकल्प, हाँ, जो विकास की यात्रा है, आपने वो काम ही नहीं किया है। कोई भी प्रदेश उठा लीजिए, मैं किसी एक प्रदेश की बात, पूरे देश में उठा लीजिए, तो राजनीतिक दल के लोग जो है, आप सत्ता में आते हैं 5 साल, अरे एक जनरेशन तो काम करो, एक जनरेशन अगर काम कर दे इस देश के लिए तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए।
चलिए, और भी बहुत से मसले रहे हैं, नहीं होती है। अब एक छोटा सा, हालांकि मुद्दे तीन चार और ऐसे हैं जिनको छूना बहुत जरूरी था, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना पड़ेगा। अब एक एक अहम सवाल, मैं चेहरे को लेकर बात करना इसलिए जरूरी समझता हूं कि अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, क्योंकि जनता ये भी देख रही है कि कौन सा चेहरा इस बार के चुनाव मैदान में असर डालेगा, वो चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे इसके अलावा हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, या फिर तमाम श्रोमणी अकाली दल की और तमाम राजनीतिक पार्टियों की, चेहरे को लेकर छोटा छोटा कमेंट आपसे चाहूंगा। हेल साहब, अभी तक तो ये द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के लिए कि सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर चाहूंगा आपकी राय, क्योंकि जब तक ये साफ नहीं होगा तो प्रदेश की जनता के मन में भी नहीं होगा। चन्नी साहब खुद कह चुके हैं कि हमने 2017 में कैप्टन को सामने करके चुनाव लड़ा, हम जीते, अब चेहरा सामने आ जाना चाहिए। छोटा सा कमेंट इसको लेकर आपका। देखिए, वो जो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेहरे को लेके लड़े थे, बट आज के वक्त में जितने कैंडिडेट है, 117 के 17 कैंडिडेट है जो टिकट लेंगे, वो सभी कांग्रेस का चेहरा होंगे। लास्ट फैसला श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लेना है कि किसको सीएम अनाउंस करना है, किसको नहीं करना। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ा सवाल आलू वाली जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये आपने इनसे क्वेश्चन किया था कि इन्होंने नशा वहां लीकर है जो आम कर दिया, इनको पता है किसका लीकर वहां बिक रहा है? श्रोमणी अकाली दल के फरीदकोट से एमएलए गए हैं मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब की ओवर सीजन जो दारू है वो बिक रही है। तो आप देखिए इनकी कनेक्टिविटी किसकी किसके साथ है, और बात यहाँ पे आके दोहरा चरित्र दिखाते हैं, कभी मजीठिया को ये नशे का तस्कर बोलते हैं। ऑथेंटिक है क्या आपके पटेल साहब? देखिए, अगर आप कोई दावा कर रहे हैं इस मंच के जरिए तो जानकारी आपके पास ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऐसे अगर किसी पर आपने, अगर कोई लगता है ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक, मैंने इसलिए पूछा ना कि चीजें देखिए साफ होनी चाहिए। जी बोलिए। ये तो आप क्लियरली, आप हम जो आपका एक सर्कल होता है मीडिया का, हमसे बड़ा होता है, हमारी नॉलेज से ज्यादा घेरा बड़ा होता है, आप पता कीजिए वहां पे किसके दारू बिक्री है, वहां पे किसको सबसे ज्यादा लाइसेंस दिए गए वार्ड में। ठीक है, लेकिन चेहरे को लेकर आपने, चेहरे को लेकर आपने थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहिए था, क्योंकि ये तरफ हम देख पा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू, जब चन्नी साहब से सवाल किया जाता है कि मुख्यमंत्री के लिए, तो उनका यही कहना था कि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा तो होती है, उसमें चाहे कोई भी हो, सिद्धू भी हो सकते हैं, चन्नी भी होते हैं, लेकिन जब तक चेहरा साफ नहीं होगा तब तक शायद आवाम के बीच में यह साफ नहीं हो पाएगा कि हम किस व्यक्ति को किस लिहाज से वोट करें और उनका कैप्टन कौन होगा। देखिए, इस वक्त जो पंजाब की स्थिति बन चुकी है, ये जो आने वाला इलेक्शन है बड़ा ही क्रूशियल है, तो इसमें पंजाब का मुख्यमंत्री, पंजाब का चेहरा वो बंदा होना चाहिए जो पंजाब के बारे में सोचता हो, पंजाब के दिल के बारे में दर्द रखता हो अपने दिल के लिए, और जो पंजाब और पंजाबियत की आवाज बुलंद करता हो। ठीक है, अरोड़ा साहब, आप लोगों का तो अब गठबंधन जो है वो कैप्टन के साथ हो गया है, अब ऐसे में सीएम के चेहरे को लेकर बात होगी, अब तो गठबंधन का जो कोई भी एक नेता वो चेहरा होना चाहिए, पर साफ तो होना चाहिए आपकी तरफ से भी कि वो होंगे कौन, कौन सी पार्टी का जो चेहरा है वो सीएम का चेहरा आपकी तरफ से होने वाला है। ऐसा है शमशेर जी कि बीजेपी जो है वो एक मेजर पार्टनर है, और बट ऑब्वियस के बीजेपी से ही सीएम का चेहरा होगा, लेकिन वो चुनावों के बाद संयुक्त रूप से तय किया जाएगा। अब राणा बलजीत सिंह कह रहे हैं जी सोनिया गांधी तय करेगी, अब नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं जी पंजाब की जनता तय करेगी कि कौन सीएम होगा। अरे भाई, इनके अपने ही अंदर इतना कंफ्यूजन है कि ये लोग तय नहीं कर पा रहे। अब आप नशे के मसले को लेके आपने मेरे से विचार लिए लिए नहीं, समय नहीं दिया आपने। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देखो जी केवल आम आदमी पार्टी खत्म करेगी नशा। अब इनके केजरीवाल जी ने तो माफी मांग ली मजीठिया जी से, तो ये नशा क्या खत्म करेंगे। अब शंभूनाथ जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भी अकाली दल के साथ अलायंस में पार्टनर थी। शंभूनाथ जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि श्रीमती नवजोत कौर सिद्धू उस समय भारतीय जनता पार्टी की मंत्री थी अकाली सरकार में, और उन्होंने क्विट किया था मिनिस्ट्री में, और उस समय शरेआम अकाली सरकार के ऊपर बेअदबी के और नशे के आरोप लगाए थे। वो कौन लगाने वाली थी? भारतीय जनता पार्टी की एक एमएलए थी, विधायक थी, मंत्री थी जी। तो आपको याद करना चाहिए कि उस समय सरकार में रहकर भी हम लोगों ने विरोध किया था अकाली दल की नीतियों का। ठीक है,
बद्रा साहब, एक छोटा सा कमेंट आपसे, और भी कई मसले थे जिनको छूना जरूरी था। किसान का मसला है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, तमाम चीजें जिन पर चर्चा हम करते रहे, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ एक महत्वपूर्ण यही है कि सीएम फेस को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में कहीं ना कहीं अंदर खाने खींचतान है कि कौन सीएम का फेस होगा। क्या जानना चाहती है पंजाब की जनता कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सी पार्टी का कौन सा होगा, वो इस चुनाव पर असर डालेगा क्या, ये कितना अहम आपको लगता है? देखिए, चेहरा अगर सामने होता है तो निश्चित रूप से इससे फायदा होता है राजनीतिक दलों को, लेकिन कांग्रेस के सामने में सिद्धू बनाम चन्नी है तो कांग्रेस का चेहरा क्लियर नहीं है। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी कह चुकी है कि जनता से हम वोटिंग कराएंगे कि हमारा चेहरा कौन है, यानी उनके पास प्रदेश में कोई चेहरा जिसको वो प्रोजेक्ट करना चाहती है, कोई चेहरा वो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल के फिलहाल नाम पे वो चुनाव लड़ना चाहती है। जहां तक बीजेपी की गठबंधन की बात है तो वहां पे चेहरा क्लियर है कि अगर ये गठबंधन सत्ता में आती है तो कैप्टन अमरिंदर ऑलरेडी सीएम होंगे इनके। इस गलत बात है शंभू जी, गलत बात आप कह रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। बीजेपी 70 से ऊपर सीटों के ऊपर लड़ेगी और चेहरा जो है वो बीजेपी का होगा सीएम का, और भारतीय जनता पार्टी, चलिए आपकी बात, भारतीय जनता पार्टी, जम्मू बात सुनिए, अरोड़ा साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है, 75 लोगों को सुन लिया करो, वहाँ सुन लिया करो, आपकी बारी जब होती है तब बोला करो। वैसे ही मान लीजिए कि अगर शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन सत्ता में आती है तो उनके चेहरे भी साफ हैं कि ऑलरेडी उनका चेहरा वहां पे चेहरे का कोई इशू नहीं है। तो मेन रूप से आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी बात होगी कि क्योंकि चूंकि अभी जो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव है पंजाब की, अगर उसको आप देखेंगे 32% दलित वोटर है पंजाब में, और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है क्योंकि पीछे उनका एक केस रहा है। पीछे के दो इलेक्शंस में आप देखेंगे तो बसपा का जो वोट बैंक था वो शिफ्ट होके आम आदमी के पार्टी तरफ आया है, और वो लगातार उनकी वोट परसेंटेज बढ़ रहे हैं। इवन कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कोई पर्टिकुलर बढ़िया जो चेहरा हो सकता है वो नहीं बना रही आम आदमी पार्टी, बीच में करार की भी बातें आती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो पंजाब में उनका जो इलेक्टोरल बेस है वो बढ़ा है। ठीक है, छोटा सा कमेंट आपसे, ये इस बार मौका है उसके लिए, सीएम फेस को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, छोटा सा कमेंट आप देंगे सर, 30 सेकंड। आम आदमी पार्टी ने एक नंबर रिलीज कर रहा है और आप हैरान हो जाओगे, सुबह तक 5 लाख थे, कल शाम तक 2.5 लाख थे, अब 7.5 लाख क्रॉस कर गए हैं। पहली बार देश के अंदर ये हो रहा है कि लोग अपना मैसेज भेज रहे हैं, अपनी फोन कॉल पे बता रहे हैं कि ये चेहरा होना चाहिए, और ये पूरे देश के अंदर एक मिसाल है, और पार्टियों को भी ये फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे कांग्रेस की गांधी पर फैमिली है, बीजेपी की मोदी यहाँ पे लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया, इन्होंने कोई नाम नहीं बताया, आप रहने तो बीजेपी का ऑप्शन छोटा सा कमेंट शंभू जी, एक ही लाइन का है शमशेर जी, ये बात है जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने नंबर जारी किया है, नंबर जारी किया है, किनका नाम आगे है, किनका नाम पीछे है, ये जनता कैसे जानेगी, नहीं जान पाएगी। ये अहम है, ये अंदर की बात है, आप उस तक जैसे एक हफ्ते के बाद लोगों के आगे रखेंगे सर। ठीक है, ये शंभू जी बात कर रहे हैं आलूवालिया साहब की, वो एक हफ्ते के बाद जनता के सामने रख देंगे कि कौन किसको ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। चलिए ठीक, चलिए वक्त मेरे पास नहीं है अरोड़ा साहब, चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम पंजाब के सियासत में जो सियासी एडवेंचर है उसमें गेम चेंजर कौन साबित होगा और कौन से मुद्दे साबित होंगे, इस पर बात हम कर रहे थे। तमाम राजनीतिक पार्टियों का अपना एक अलग चेहरा होता है, अपना अलग चरित्र होता है, और वो आम जन के बीच में जाती है तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करते हैं। उनमें ये बेअदबी का मामला है, इसकी बात कर लेते हैं, नशे के मुद्दे की बात करें, और इसके अलावा पंजाब में सुरक्षा की बात होती है, तमाम चीजों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां दावे करती हैं कि हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, हम आए तो वैसा कर देंगे। अब ये तो पंजाब के आवाम को समझना है कि कौन आएगा तो क्या कर देगा, क्योंकि वादों पर दावों पर न जाकर पंजाब की जनता के दिल में क्या है उसको समझकर अगर कोई व्यक्ति वोट मांगने आता है या उसको समझकर कोई व्यक्ति सत्ता पाने की चाहत रखता है तो ये पंजाब की जनता को समझकर वोट करना होगा। लेकिन दावों की, वादों की हकीकत कुछ और होती है, असर कुछ और होता है, मसला ये चीजें समझने का विषय। लेकिन एक बात हम बता दें,
आप अपने मन से अपने दिल से वोट कीजिए, पार्टी आपकी नजर में कोई भी हो, पर उसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि पंजाब का चैन अमन जो है वो बना रहना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।